खुश नहीं हूँ। आपकी एज क्या है और आप अंदर से खुश क्यों नहीं हैं? सबसे पहले तो आप अपनी एज बताएं और आप क्या करते हैं और आपकी फैमिली में कौन कौन है। अगर इतना कमेंट आप कर सकते हैं तो मैं आपके सवालों का जवाब दे पाऊंगी। और अंदर से खुश होने के लिए क्या करना चाहिए वो भी सलूशन मैं आपको जरूर बताऊंगी। आपकी एज 24 साल है और आप स्टडी करते हो। ओके ओके, तो भाई आप खुश क्यों नहीं हो? मतलब कि आप स्टडी से खुश नहीं हो या आप अपनी मतलब इनकम को लेके कि मैं भी एक सेल्फ डिपेंड बनूं, अपनी इनकम करूं, या फिर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला लफड़ा है, ऐसा कुछ है? दो तीन ऑप्शन है, अगर आप इनमें से कुछ बात कर पाएंगे तो मैं आपको बता पाऊंगी। मम्मी डैडी ब्रो भाभी ब्रो के बेटा बेटी एंड आई, ठीक है। तो फिर आप खुश किस चीज़ से नहीं हो? अंदर से खुश होने के लिए हमें बाहरी दुनिया की ज़रूरत नहीं होती, हमें किसी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं होती, हम अकेले ही खुश हो सकते हैं। इसके लिए हमें अपने आप को बेहतर बनाना होगा, कुछ सीखना होगा, अपने आप से प्यार करना होगा। हमें किसी और से प्यार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुद से प्यार करने लगे, अपने आप में इम्प्रूवमेंट करने लगे, अच्छी बुक्स पढ़ने लगे, अच्छे लोगों की संगति में आगे पॉजिटिव विचारों के बीच रहने लगे, तो आपको अंदर से खुशी मिलना शुरू हो जाएगी। फिर बाहरी दुनिया कोई इम्पोर्टेंट नहीं रह जाती है। मतलब कहने का मेरा ये है कि ना तो हमें कोई खुश कर सकता, ना तो कोई दुखी कर सकता, ये हम हैं जो अपने आप को खुशी और गम में डालते रहते हैं। और हम अपना कंट्रोल किसी और के हाथों में दे देते हैं और वो व्यक्ति फिर हमें दुखी और सुखी बनाता रहता है। तो ऐसा नहीं करना है, अपना कंट्रोल अपने हाथों में रखिए। आपको किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि आपको रुला सके या हंसा सके। जब आपकी मर्जी हो तो आप हंसे और जब मर्जी हो तो रोए अपने मन से। इतना पावर, इतनी क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। और इसको बनाने के लिए मैं तो सभी को यही सजेशन दूंगी कि आज के समय में अगर आप लोग सिर्फ एक काम करते हैं, गीता पढ़ते हैं, तो ये सारी खुशियां आपको जरूर मिलेंगी। खुश नहीं है मैं अंदर से खुश नहीं हूँ, तो आपके अंदर की खुशी आप ही ला सकते हैं, बाहर वाला कोई भी नहीं ला सकता। तो आपको अपने आप को बदलना होगा। थोड़ा सा आप पॉजिटिव विचारों के बीच आइए और अच्छी चीजें बुक्स पढ़ना शुरू कीजिए, अच्छे लोगों की संगति में आइए, अपने आप को प्रसन्न रखने की कोशिश करिए, तो आप खुश हो सकते हैं। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, गर्लफ्रेंड चाहिए तो आप इस लायक बनिए। आपके लिए है कुमार कुमार जी कि आपको जो चीज चाहिए उस लायक आप बन जाइए। अगर आपको अपने जैसी गर्लफ्रेंड चाहिए तो अपने जैसी ढूंढना शुरू कर दीजिए। और अगर आपको कोई ऐसी गर्लफ्रेंड पसंद है जो कि आपसे बेहतर है, तो पहले आप उसके लायक बनना शुरू कर दीजिए। ऑटोमेटिक जो हम होते हैं ना, हमें वैसे ही लोग अट्रैक्ट करते हैं। तो जब आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करेंगे और अपने आप को बेहतर बनाएंगे, तो वैसे लोग आपकी ओर खींचे चले आएंगे और आपको भी एक गर्लफ्रेंड जरूर मिल जाएगी। तुम कुमार जी, मेरी गर्लफ्रेंड भाव नहीं देती है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हमें कोई भाव ना देना है तो इसका मतलब है कि कमी हम में है। हिम्मत नहीं होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति की कि वो हमें भाव ना दे। हम में इतना एटीट्यूड होना चाहिए कि हम किसी को भाव ना दे। और अगर आप किसी और से भाव चाहते हैं तो फिर आप अपने अंदर से कमी महसूस करते हैं। अपना एक एटीट्यूड बनाइए, अपने आप को मजबूत करिए। आपको किसी के भाव देने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप अपने अंदर ही इतना मजबूत हो जाइए, अपने अंदर में इतनी ताकत लेके आइए कि आपको किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता ही ना पड़े कि वो आपको भाव दे। तो जो मैं बोल रही हूँ उसे आप समझ पा रहे होंगे। तो जितना आपने क्वेश्चन किया, सबका मात्र एक ही सवाल है, हमें दूसरों से उम्मीदें करना छोड़ना पड़ेगा। हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हम दूसरों से उम्मीदें करते हैं। आप अपने आप को ऐसा बनाएं कि लोग आपसे उम्मीदें करें, आपको किसी की उम्मीद की जरूरत ना पड़े, ना गर्लफ्रेंड के लिए, ना बॉयफ्रेंड के लिए, ना खुशी के लिए, ना गम के लिए। आप इतने अंदर से आप अपने आप को मजबूत बनाएं कि बाहरी दुनिया का प्रभाव आप में पड़े ही ना, आप जो चाहे वो कर सके। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपने विचारों को बदलना, अपने विचारों को मजबूत बनाना। और इसके लिए मदद करेगा गीता और जो हमारे अच्छे ग्रंथ होते हैं वो आपको मिलेंगे। अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट गीता मंगवा सकते हैं, या तो फिर कुकू FM आप डाउनलोड करिए, लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी। अमन, एक डबल मैरिड वाले बंदों का क्या करें? इसके लिए मैंने काफी वीडियोज बनाए हैं,
तो आप सबसे पहले मेरे चैनल पे जाएं, कमलेश सोनी लाइफ एक्सपीरियंस, वहाँ पे हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चन पूरे सॉल्व हो जाएंगे। अगर ना हो तो फिर आप मैसेंजर पे मैसेज भी कर सकते हैं। समझ गया, तुम कुमार, ओके।